इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक रेखा का जीवन हमेशा विवादों से भरा रहा है। कभी अपनी शादी को लेकर तो कभी अमिताभ बच्चन के साथ अपने लव अफेयर को लेकर रेखा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 67 साल की रेखा का नाम केवल अमिताभ बच्चन के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड की ये दिग्गज एक्ट्रेस खुद से 13 साल छोटे एक्टर अक्षय कुमार को भी दिल दे बैठी थी। उस दौर में रेखा ने अक्षय के साथ जमकर इंटीमेट सीन भी दिए थे। यही कारण था कि रेखा और अक्षय कुमार की ये नजदीकियां मीडिया की नजरों से भी नहीं बच पाई थी। ये साल 1996 की है, उस दौरान अक्षय कुमार रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में सगाई भी कर ली थी। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ रवीना और रेखा को एक्टर के तौर पर नजर आई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान 41 साल की रेखा 28 साल के अक्षय कुमार पर दिल हार बैठी थी, वहीं एक्टर भी उन्हें पसंद करने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान रेखा और अक्षय कुमार के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ने लगी थी कि रेखा एक्टर के लिए अपने घर से खाना बनाकर लेकर आती थी और वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय अक्षय कुमार के साथ बिताती थी। रेखा और अक्षय के बीच की ये नजदीकियां रवीना की आंखों में खटकने लगी थी। उस दौरान ये भी खबरें आईं कि अक्षय कुमार को लेकर रेखा और रवीना के बीच फिल्म सेट पर काफी ज्यादा बहस हुई थी और रवीना ने रेखा से साफ शब्दों में अक्षय से दूर रहने के लिए कह दिया था। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप हो गया था। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में एक्शन के साथ साथ इंटीमेट सीन्स की भी खूब भरमार है। इस फिल्म में रेखा और अक्षय ने कई इंटीमेट सीन दिए हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और रेखा की बोल्डनेस फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। कहा जाता है कि फिल्म में इंटीमेट सीन और किसकी वजह से ही रेखा और अक्षय कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी थी।